हेलो गाइस, वेलकम टू नेशनल क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के आज के इस वीडियो में हम लोग इंस्टॉलमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इंस्टॉलमेंट में जितने भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हम लोग सारे करने वाले हैं। आज तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट के हैं, वो सारे हम आपको करवाने वाले हैं। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उसी टाइप पर सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। और एक बात और बतानी है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कंप्लीट पीडीएफ तैयार हो चुका है और मैंने वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आपको डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। आप वहां पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो इंस्टॉलमेंट शुरू करने से पहले हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं जो सभी लोग आपको बताते होंगे। तो खैर, वो फॉर्मूला आता कैसे है पहले हम वो जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर बिना फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला वो आता कैसे है। सबसे पहले अगर मान लेते हैं हम पी रुपए किसी से उधार लिए, मतलब प्रिंसिपल मेरा पी रुपए है, मतलब हम किसी से उधार जो लिए हैं वो पैसा हम पी रुपए लिए हैं, ठीक है। और मान लेते हैं आर परसेंट के रेट से वो हमसे क्या लेता है, ब्याज लेता है, ठीक है। तो अगर हम एक साल के बाद उसको पैसा लौटाएंगे तो कितना रुपए लौटाएंगे, तो हम लौटाएंगे उसको 100 + R/100, इतना रुपए हम उसको लौटाएंगे। लेकिन हम क्या किए कि उसको हम इतना रुपए नहीं दिए, क्या दिए, मान लेते हैं हम एक साल में उसको एक्स रुपए दिए, मतलब इंस्टॉलमेंट के तौर पर, ठीक है। जब एक्स रुपए हम उसको दे दिए तो अब उसका पैसा मेरे पास कितना बचा हुआ है, तो इतना रुपए मेरे पास बचा हुआ है जो हम बाद में देंगे। तो उस पर फिर से वो ब्याज लगाया कितना परसेंट, तो आर परसेंट के रेट से, तो हमको देना कितना पड़ेगा, इतना रुपए। हम फिर से क्या किए, उसको इतना रुपए नहीं दिए पर दिए हैं मान लेते हैं वाई रुपए। ये पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा और ये हमारा दूसरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पैसा अब बच गया, जो पैसा अब बच गया, उस पर फिर से वो क्या करेगा, हमसे आर परसेंट का ब्याज ले लेगा, ठीक है। तो हम क्या किए, उसको अगला जो किस्त जेड रुपए दे करके पूरा क्या किए, किस्त जो है वो कंप्लीट कर दिए, पूरा कर्ज को क्या किए, खत्म कर दिए, मुक्त हो गए, कर्ज मुक्त हो गए, ठीक है। तो हुआ क्या चीज, पी रुपए उधार लिए थे, आर परसेंट के रेट से एक साल बाद हमको इतना देना था, लेकिन हम दिए एक्स रुपए, तो इतना बच गया। अब जितना बच गया उसमें फिर से वो क्या लेगा, हमसे आर परसेंट ब्याज लेगा। दूसरा बार हम फिर से क्या किया, वाई रुपया दिए, फिर से कुछ पैसा बच गया, उस पर फिर से क्या लेगा, हमसे आर परसेंट ब्याज लेगा। तो लास्ट में हम क्या किए, जेड रुपए दे करके कर्जा को खत्म कर दिए। तो हम तीन इंस्टॉलमेंट यही है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसी को एक तो प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं भी रखते हैं, डायरेक्ट ये प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी से फॉर्मूला डिराइव होता है, कैसे डिराइव होता है वो देखिए। अगर हम यहां से पी इंटू 100 + R/100 को लिख लें और यहां पे माइनस इंटू 100 + R/100 माइनस वाई, इस 100 + R/100 को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, z ये स्लो चला जाएगा ऊपर और 100 + R आ जाएगा नीचे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, सबको उधर लेते हुए चलेंगे, ये हो जाएगा p इंटू 100 + R/100 माइनस x और 100 + R/100। अब क्या करेंगे, ये जो y माइनस में इधर पे आते हैं प्लस में, तो लिखेंगे y प्लस z और 100 + 100 / 100 + R, ठीक है। फिर से अगला लास्ट टाइम पढ़ते हैं, इस 100 + R/100 को फिर से उधर लेके जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो इधर आ जाएगा गुना, मतलब 100 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो y के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100 / 100 + R। फिर ये z के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेम चीज है यहाँ पे लिखा होगा, तो ये स्क्वायर बना देंगे।
एस को फिर से इधर लेकर आएंगे तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करते हैं, इस पी को इधर रखकर ये पूरा पार्ट को हम इधर ले आते हैं फिर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स इंटू हंड्रेड बाय हंड्रेड प्लस आर। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस बार हंड्रेड बाय हंड्रेड प्लस आर का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये एक तो पहले से था, ये फिर से मल्टीप्लाई का स्क्वायर बन जाएगा और यहां पर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये बनता है। ठीक है, यहीं से जो है वो आपको किस्त का फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया जाता है। यहां पर देखिए, यहां पर ये पहला किस्त, ये दूसरा किस्त, ये तीसरा किस्त, अगर और हम आगे चलते हैं तो ये और आगे क्या होगा, बढ़ते हुए चलेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, अभी ये पूरा नहीं हुआ है, फॉर्मूला तो हमारा यहाँ डिराइव हो गया, लेकिन आप जो फॉर्मूला देखे होंगे वहां पर सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे एक्स 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 सब जगह सेम लेके कॉमन ले लेंगे, प्रत्येक किस्त को भी क्या होगा, क्वेश्चन बराबर बोलता है तो एक्स को बाहर ले लेंगे तो बचेगा सिर्फ ये पार्ट। फिलहाल अभी आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम आगे और बढ़ाएंगे इसको। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हमने सॉल्व किया, अभी हमने क्या डिराइव किया फॉर्मूला, तो P इज इक्वल टू x इंटू हंड्रेड बाय हंड्रेड प्लस R, फिर y इंटू हंड्रेड बाय हंड्रेड प्लस R का स्क्वायर प्लस z बाय हंड्रेड प्लस z इंटू हंड्रेड बाय हंड्रेड प्लस R का क्यूब। अगर और आगे बढ़ाएंगे तो टोटल लेंथ चलते जाएगा, है ना। और जरा सोचिए, यहां पर अगर तो क्या होगा, जितना भी किस्त यहाँ पे दे रहे हैं सारा किस्त क्या होगा, अगर बराबर बराबर हो, है ना, लिखेंगे इन ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट आर इक्वल, यदि प्रत्येक किस्त बराबर है। देखिए, अगर प्रत्येक किस्त बराबर होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा, यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां भी x हो जाएगा, यहां भी x हो जाएगा और यहां भी x हो जाएगा, तो सारा हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में बचेगा क्या, 100 बाय 100 प्लस r, फिर बचेगा 100 बाय 100 प्लस r का स्क्वायर, फिर बचेगा 100 बाय 100 प्लस आर का क्यूब, और अगर आगे निकालना है 4 साल 5 साल का तो और आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा किस्त का जो है वो फॉर्मूला बनता है। ठीक, यही है हमारा फॉर्मूला, और यही हम जो आप लोगों को बुक में दिखा होगा या कोई टीचर पढ़ाया होगा तो आप वहां पे देखे होंगे। ठीक है, और अगर किस्त अलग अलग बोलेगा तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर किस्त जो है वो हमारा अलग अलग होगा तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड का निकालेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां पर जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर हमको किस्त जो है दो बार दिया देना पड़ेगा, दो किस्त में अगर हम देंगे तो एक किस्त यहां तक, दो किस्त यहीं तक रहेंगे, अगर तीन किस्त देना है तो तीन तक में आएंगे, चार किस्त देना है चार तक निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज आपको रेशियो में बताते हैं कि जैसे कि अगर इसका हम रेशियो निकालते हैं, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो, तो जरा ध्यान देंगे, ये इसको अगर हम इधर लेके आते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं क्या, इंस्टॉलमेंट जो है क्या बचेगा, यही वाला रेशियो बनेगा, तो ये इसी रेशियो को हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर आर की जगह पे 10% है, रेट हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं आर की जगह पे 10%। ठीक है, आर जो है वो हमारा 10% कुछ देर के लिए मान लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला में नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, मतलब कि पहले ये साल ये 10 रहा होगा, बाद में ये क्या हो जाएगा, हमको कितना देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा, मतलब ये पहला इंस्टॉलमेंट। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट का बात करेंगे तो समझिए, दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या होता है, ये स्क्वायर हो जाता है, तो इसका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो हमको 100 उधार लेंगे तो 100
21 देना पड़ेगा। अगर 3 साल बोलेगा तो 10 का क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1331 देना पड़ेगा। मतलब कि अगर हम 10 रुपए उधार लिए हैं तो एक साल के बाद 11 रुपए देना होगा। अगर हम 100 रुपए दूसरा साल का अगर हम कहीं ये पहला किस्त हो जाएगा, ये दूसरा बार का और ये तीसरा बार तीसरा साल का, ठीक है। तो अगर हम पहला साल का अगर हम बात करें 10 रुपए उधार लेंगे तो 11 देना पड़ेगा, दूसरा में अगर हम 100 उधार लेंगे तो 121 देना होगा, और तीसरा अगर हम 1000 लिए हैं तो 1331 देना होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये स्क्वायर क्यों होते जा रहा है, तो ये फॉर्मूला में ही देखिए। पहला साल के लिए अगर निकालेंगे तो ये वाला पार्ट है, पहले क्या था देखिए, अगर इसका हम प्रिंसिपल अगर हम रेशियो निकालते हैं पहला साल तो भूल जाइएगा, अगर हम रेशियो निकालते हैं तो इसको तो अभी छोड़ दीजिए, इसको हम किसी को समझाते हैं। देखिए अगर हम यहां से P by X निकालते हैं, प्रिंसिपल रेशियो इंस्टॉलमेंट, ठीक है, यहां पर X क्या है, इंस्टॉलमेंट हम यहां पे लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा प्रिंसिपल है और ये जो है वो हमारा इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे कि अगर हम अभी एक साल का निकाल के दिखाते हैं, दो साल से नहीं, हम एक साल से लेते हैं ताकि रेशियो आपको समझ में आ गया। अगर हम पी रेशियो एक्स निकालते हैं, प्रिंसिपल रेशियो इंस्टॉलमेंट, तो यहां पे क्या आएगा, 100/100 प्लस आर आएगा। अगर हम कुछ देर के लिए आर को 10% मान लें तो यहां 10 लिखेंगे तो हो जाएगा कितना, 100/110 होगा कि नहीं होगा, ये 0-0 कट जाएगा, होगा। तो 10:11 है, मतलब जो हम यहाँ पे अभी लिखे थे 10 से 11 होगा एक साल में। दूसरा साल का जब हम बात करते हैं, जब हम दो साल का बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस होते होगा कितना, यहाँ पे जैसे आया था 10 और 11, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, मतलब अगला बार भी 10/11 होगा लेकिन स्क्वायर कर देंगे और सबको जोड़ेंगे। फिर मान लो 3 साल का निकालना है तो फिर से 10/11 करेंगे और स्क्वायर करेंगे, ठीक, सॉरी क्यूब करेंगे यहाँ पे। तो क्या कर रहे हैं, सभी को इसका स्क्वायर किए फिर क्यूब किए और सबको लास्ट में जोड़ देते हैं। तो इसी को हम इस तरह न लिख के हम इस तरह से लिखते हैं कि 10 रुपए अगर उधार लिए हैं तो पहला साल का तो 11 रुपए हमको लौटाना पड़ेगा। दूसरा साल की अगर हम बात करेंगे कि हम 100 रुपए लिए हैं, क्यों, क्योंकि इसका दूसरा साल क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 10 का स्क्वायर, अगर हम 100 लिए हैं तो 11 का स्क्वायर हमको 121 देना होगा। अगर हम तीसरा साल का बात करते हैं कि ये क्यूब करते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे, 1000 उधार लिए हैं तो हमको 1331 देना होगा, और लास्ट में क्या किए सबको जोड़ते हैं तो यहाँ भी सबको जोड़ देंगे, यहाँ भी सबको जोड़ देंगे, ठीक है। खैर ये चीज जो है वो क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ में आएगा, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ये हमारा फॉर्मूला है और ये जो रेशियो मेथड जो हम बता रहे हैं ये जो है वो इसी से आता है, कोई नया मेथड नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप अभी इतना लिखिए, जो भी डाउट है वो क्वेश्चन के साथ आपका 100% क्लियर हो जाएगा, इसको आप नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू अपने कंसेप्ट को और अपने फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्स रुपए की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रुपए के दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक संयोजित था तो x का मूल्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको फॉर्मूले से करके दिखाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम इसको फॉर्मूले से करके दिखाते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल निकालने के लिए इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितना है 35,280, ठीक है, और गुना में क्या करते थे तो 100 बटा में 100 प्लस आर, तो आर कितना है यहाँ पर 5% है, रेट कितना है 5% है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 105 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 100 प्लस 5 105। उसके बाद दूसरा साल का लिखना है तो क्या लिखेंगे 100/105 का स्क्वायर, हमको 2 साल तक का ही निकालना है, 2 साल का निकालना है तो इतना ही में रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर इसको कट करेंगे 5 से 20 बार में 5 से 21 बार में, ठीक है। यहां पर देखिए 20/21, यहां पर 20/21 कॉमन ले लेते हैं, 20/21 को कॉमन अगर ले लेंगे तो यहां पर अंदर में क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर 20/21 बचेगा, ठीक है।
इसको फिर से सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ 20/21 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 41/21। ठीक है, 21 से इसको कट करते हैं, 21 बच गया कितना यहाँ पर, तो बच गया 14 मतलब 142, 21 6 126। तो यहाँ पर 26 4 12 16 मतलब 168, तो 21 8 168 होता है। ठीक है, और एक जीरो बचा हुआ, एक जीरो फिर से करेंगे, 21 8 168 इतना आएगा। सबको जब मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 16 16 16 का 6 में 1 16 64 और 1 65 और 2 0 मतलब कि 65,600 रुपए जो है वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब हम 65,600 रुपए उधार लिए थे जिसको हम 35,280 रुपए करके दो किस्त दे करके उसको हम चुकाए थे। ठीक है, चलिए ये तो हुआ हमारा फॉर्मूला से, इसको हम बिना फॉर्मूले से कैसे करेंगे वो समझते हैं। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, सबसे पहले तो हमारा जो रेट जो दिया था वो था 5%, 5% का मतलब होता है 1/20, मतलब कि अगर हम 20 रुपए उधार लिए थे तो एक साल में हमको कितना देना होगा वापस, 21 रुपए देना होगा। समझ आया, अगर हम 20 उधार लेते हैं तो हमको 21 देना होगा। ये हमारा जो हुआ ये हमारा पहले साल का काम हुआ। ठीक है, दूसरा साल की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे साल के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में आपको दिखा होगा कि स्क्वायर करते हैं, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 400, ये हमारा दूसरा साल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे साल के अंत में हम 400 रुपए अगर उधार लिए हैं तो हमको देना होगा इसका स्क्वायर 441 रुपए। अब हमको पता है कि प्रत्येक किस्त क्या है, बराबर है 35,280 रुपए, हम दोनों किस्त देते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पे 441 है तो यहाँ भी 441 होना चाहिए, तो इसको 441 बनाने के लिए 21 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो इधर भी 21 से गुना करना होगा। जब हम 21 से इसको गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जो है हमारा बन जाएगा 420, क्या बन जाएगा 420। अब ये 420 और 400 देखिए हम आपको समझाएंगे फॉर्मूला में कि पी बटा जब ए लिखते हैं तो सबको क्या किए थे, 10% मान के चले थे 10/11, फिर यहाँ पे प्लस किए थे 10/11 का स्क्वायर, फिर 10/11 का क्यूब, और सबको लास्ट में जोड़े थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, क्या करेंगे तो सबको जोड़ेंगे, तो 420 और 400 कितना हो जाएगा 820, मतलब कि हम टोटल 820 क्या लिए थे, उधार लिए थे, और चुकाएंगे कितना अगर वो निकालने बोलते तो हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे डायरेक्ट से डबल हो जाएगा कितना 882। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन में हमको इसका जरूरत नहीं है, तो हम लोग इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं भी अगर हम निकालते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन में गिवन क्या है, 35,280 जो इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट हमारा ये है, इधर वाला मेरा प्रिंसिपल है और इधर वाला मेरा इंस्टॉलमेंट है, ये याद रखिएगा। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है वो 35,000 कितना का है, 280 का है, 35,280 का है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट जो है, इसका जो यूनिट डिजिट है वो यहाँ पर एक है, यहाँ जीरो है, जीरो को कुछ देर के लिए भूल जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 8 आ रहा है। हम जीरो को भूलने क्यों बोले, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें जीरो तो नहीं आएगा, जब जीरो से मल्टीप्लाई करें तभी जीरो आएगा, मतलब कि ये जीरो को साइड अगर रखते हैं कुछ देर के लिए तो यहाँ पर देखिए आप अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम यही नंबर आएगा, देख लीजिए 8 × 1 = 8 है ना, 8 × 8 = 8 8 × 4 = 32 32 और 8 × 4 = 32 और 3 = 35। ठीक है, 8 × 1 = 8, अगर कोई इंग्लिश में करते कैसे करना, लेकिन आपको 8 × 1 = 8 वाला टेबल से ज्यादा बढ़िया है, हम तो हिंदी में याद रखे हैं 8 × 8 = 8 8 × 4 = 32 8 × 4 = 32 3 = 35, ये ज्यादा आसान हमको लगता है। ठीक है, और हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हमको तो ऐसे ही याद है। देखिए ये जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, और ये जो है जीरो यहाँ पर लग जाएगा, मतलब कि अगर इसको हम इससे कट करते हैं तो 80 बार में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो सब जरा सोचिए, ये अगर 80 गुना है तो इसको भी अगर हम 80 से गुना कर दें
तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो कितना होगा, 8 × 2 = 16 और 8 × 64 और 1 = 65 और 2 0 यहाँ पे हो जाएगा। मतलब कि 65,600 जो है वो यहां से भी हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक राशि उधार ली गई और 980 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिसमें 4% चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया। उधार ली गई राशि रुपए के निकटतम दहाई में कितने थी। देखिए क्वेश्चन सेम है, देखने में तो आपको क्वेश्चन सेम लग रहा होगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, देखिए आपको पता चल जाएगा, हम फॉर्मूला से नहीं बताने वाले, फॉर्मूला से आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो रेशियो रेट जो है वो हमारा 4% है। 4% का मतलब 1/25। तो जरा सोचिए, यहाँ पर अगर हम 25 रुपए उधार लेते हैं तो हमको कितना देना होगा पहला साल, तो 26 देना होगा। फिर इसका स्क्वायर करते हैं, दूसरा साल अगर निकालना है तो 625, तो देना कितना होगा 676। किस्त क्या है, बराबर है प्रत्येक साल में, तो यहाँ पे 26 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 650। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 1275। कितना समझ में आ गया, प्रत्येक किस्त जो है, प्रत्येक किस्त जो है वो 980 रुपए का है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऐसा वैल्यू आ गया जो डायरेक्ट पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब जब नहीं कटेगा तो बन गया कैलकुलेटिंग। पिछला क्वेश्चन क्या था, पूरा पूरा कट जा रहा था, तो आंसर आसान था, डायरेक्ट जितना का मल्टीपल बन रहा है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। जरा ध्यान से देखते हैं सॉरी, इसका मतलब क्या है कि 980 जो है वो कितना का वैल्यू है, तो 676 का वैल्यू है, उसको नीचे जितना निकालना है जितना का उसको ऊपर लिखते हैं, तो हमको 1275 का निकालना है, उसको ऊपर लिखने में। अब हम क्या करते हैं, ये तो कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ देर के लिए इस 76 को हम 75 मान लेंगे अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, अगर हम 75 मानते हैं तो ये पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा नहीं मतलब 25 से कटेगा, 25 × 50 बच गए हमें 17 बच गया, 25 × 7 = 175, 25 × 5 = 125 और 25 × 1 = 25, 9 × 3 कट करेंगे, 3 × 9 = 27 और 17 × 3 = 51। अब इसको 9 से कट करके देखिए, 9 × 1 = 9। अब अगर सोचिए ध्यान से, अगर यहाँ पर 80 के जगह पर अगर हम 81 रख लेते हैं तो पूरा पूरा नहीं कटता, 9 × 9 = 81 कटता कि नहीं कटता, कटता। तो अप्रोक्सीमेशन में ऐसे ही वन यूज करना है। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 17 × 9 = 153 का 3 = 53 बच गया 1, 17 × 17 = 18। तो ये जो वैल्यू 1853 आया, अब ऑप्शन पे देखेंगे कि इसके नजदीक कौन है, तो इसके नजदीक जो है वो हमारा 1850 रुपए है, तो यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप इसको पूरा वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करिएगा, पॉइंट में आएगा तो आप 1850 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब हमारा 1850 ही क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 4,620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है, यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी। देखिए यहाँ पर रेट जो है वो 10% है, 10% मतलब 1/10, मतलब अगर हम 10 रुपए उधार लिए हैं तो 11 देना होगा। दूसरा साल अगर हम बात करें, 100 रुपए उधार लिए होंगे तो हमको 121 देना होगा। प्रत्येक किस्त बराबर है तो 11 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 110 बन जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो होता है 210। यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमको निकालना है प्रत्येक किस्त मतलब 121 का वैल्यू। तो मेरे पास गिवन क्या है, तो राशि गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल ये होता है 210 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 4620, 4620। अगर हम इस जीरो को कट कर लें, ठीक है, इस जीरो को अगर हम कट कर लें, बचा 21 से इसको कट करते हैं, 21 × 42 बच गया यहाँ पे 4 × 21 = 42, मतलब कि एक यूनिट का वैल्यू जो है वो 22 है, तो 121 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 × 1 = 22, 22 × 44 और 4 × 2 = 46 बच गया 4, 22 × 1 = 4 = 26।
हमारा जो आंसर है 2662 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बैंक में 34,720 रुपए की धनराशि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है, उसे इसे 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना होगा, प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस 3 साल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, मतलब कि 8 उधार लेंगे तो पहला साल हमको 9 देना होगा, 1 साल के बाद 9 रुपए देना होगा। अगर हम दूसरा साल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 64। अगर हम 64 उधार लेंगे तो दूसरे साल के अंत में हमको कितना देना होगा, तो 81 देना होगा। अगर हम इसका फिर 3 साल का निकालना है, तीसरा साल का, तो क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512। अगर हम 512 उधार लेंगे तो तीसरे साल के अंत में हमको कितना देना होगा, तो हमको 9 का क्यूब हो जाएगा, 729 देना होगा। ठीक है, प्रत्येक किस्त क्या है, बराबर है, तो हम सबको 729 बनाएंगे। ठीक है, जितना सीधा मल्टीप्लाई किए उतना सीधा भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8×8 और 8×8=64, यहां पर 9×4=36, 9×6=54 और 3×8=57, सबको जोड़ते हैं, 8×2=10, 6×16 का 6 हाथ में 1, 5×7=12 और 1×13 का 3 हाथ में 1, 6×10=16 और 1×17=36। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर जो है 34,720 रुपए की धनराशि दी गई है, मतलब 1736 का जो वैल्यू है वो हमारे पास कितना है, 34,720। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जीरो को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे तो ये इसका क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। देख लीजिए, 36×72=70×34, मतलब कि ये टोटल जो है पूरा का पूरा 20 गुना हो रहा है। तो हमको प्रत्येक किस्त निकालना है तो इसको भी क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 9×2=18। ठीक है, 2×2=4 और 1=5, 7×2=14, 14,580 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि ब्याज दर प्रति वर्ष 10% है, इसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है, तो प्रत्येक किस्त और प्रत्येक किस्त जो है कितना दिया हुआ है, 6,534 रुपए है, तो लगाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर रेट जो है वो हमारा 10% है, तो ब्याज इसका फैक्शन वैल्यू 1/10 होगा, मतलब 10 उधार लेंगे तो 11 देना होगा, 100 उधार लेंगे तो 121 देना होगा। प्रत्येक किस्त अगर बराबर है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 होगा। यहाँ तक तो सभी को पता होगा, रट्टा मार लिया हमने। हमको निकालना है कि हम ब्याज कितना दिए हैं, तो ब्याज कितना दिए, हम उधार लिए हैं 210, दो किस्त में चुकाएंगे अगर 121 121, तो टोटल 242 रुपए हम उसको देंगे, मतलब ब्याज के रूप में हम उसको 32 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, तो 32 दे रहे हैं, 32 यूनिट बोल सकते हैं। यहाँ पर हमको पता है कि प्रत्येक किस्त 6,534 है, प्रत्येक किस्त जो है वो 6,534 है, तो इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे ये किससे क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अगर हम 121 पंजे करते हैं, 121 का कितना होता है, 5×5=6, 605 हो जाएगा। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 605 यहाँ पे है 653, मतलब 5 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, 121 क्या होगा, 605 यहाँ पे घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ बचेगा 48, मतलब 484, तो 21×484 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×4=48। ठीक है, तो ये 54 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 54 है, तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 54 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई होगा 8, तो यूनिट डिजिट 8 देखेंगे, एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, 8 है, तो डायरेक्ट आंसर जो है वो हमारा 1728 होगा। यहाँ पर आपको पूरा पूरा कट भी करने का जरूरत नहीं है, हम तो पूरा कट करके दिखा दिए हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में बनाते हैं तो कट करने का जरूरत नहीं है। क्यों, यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, यहाँ पर 4 है, मतलब कि इस 121 को हम ऐसा नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किए होंगे जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा,
तभी यह मल्टीप्लाई होकर लास्ट में चार आया है। मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, चार है, तो यहाँ भी जो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, चार होगा। तो चार से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आठ आएगा, तो ऐसा एक ही ऑप्शन मिलेगा आठ, जिसको टिक कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक ऋण को दो समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है, यदि ब्याज की दर वार्षिक 10% है जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है और प्रत्येक किस्त 5,808 रुपए की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात करें। यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है सेम डाटा सेम क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है सीजीएल टीयर टू में, और फिर से 2020 में पूछ दिया गया है, थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है, जो 2019 में पूछा गया था उसमें क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है कि कितना हमको ब्याज मिला था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि ब्याज का 60% कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा चेंज नहीं है, क्वेश्चन सेम है, जो भी ब्याज निकलेगा उसका 60% निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम दोनों क्वेश्चन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है, एक ही में दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो लेकिन अगर आप पीडीएफ में देखते हैं तो इसके जस्ट पहले ही क्या होगा, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 2019 वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रेट जो है वो 10% है, तो अगर हम यहाँ पर बनाते हैं 10 लेंगे तो ये देना कितना होगा 11, और 100 लेंगे तो देना होगा 121। दो साल का बात कर रहा है, दो ही साल में रुक जाएंगे, और यहाँ पर सेम किस्त है तो दोनों जगह बराबर कर लेंगे, ये हो जाएगा 110, और यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो 210, यहाँ पर जो टोटल कितना होगा 242, ब्याज कितना मिल रहा है 32। इतना दूर तक तो सब कुछ सेम है। यहाँ पर 121 का वैल्यू कितना दिया होगा 5,808, सेम जो हम पिछला क्वेश्चन करवाए सेम प्रोसेस है, बस वहां पर कुछ और वैल्यू था, यहाँ पर कुछ और वैल्यू है, ठीक है, सॉल्व ऐसे ही करना है। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या होगा, आठ होगा। लेकिन जरा ध्यान देंगे, हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा है ब्याज का 60% क्या होगा, वो भी क्या बोला है, पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पर हमको इंटीजर फॉर्म पर पूछा है, मतलब कि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था उसको हम यूनिट डिजिट से जो है वो आराम से कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिर बताइए, देखिए इसको अगर हम कट करते हैं तो यहाँ पर 21 चौक 184, मतलब 48 बार में कट जाएगा, 48 बार में क्या होगा, कट जाएगा, आप कट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी 48 से मल्टीप्लाई होगा, एक यूनिट का वैल्यू 48, तो 32 यूनिट का निकालना है, 48 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जब 48 से इसको गुना करेंगे, डायरेक्ट इस पर समझिए कि एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 32 यूनिट का निकालना है, तो 48 से गुना करेंगे, 8 × 16, ठीक है, और 8 × 24 और 4 × 8, 24 और 8 कितना होगा, तो 24 और 8 32 होगा, और 1 33 का 3 हाथ में, 3 4 12 और 3 15, 1536 जो है वो हमारा क्या निकलेगा, तो ब्याज निकलेगा। और यही आंसर जो है वो हमारा किस क्वेश्चन के लिए होगा, जो 2019 में पूछा गया था, ठीक है, जो 2019 में पूछा गया है उसका आंसर 1536 होगा। तो अगर ये 1536 अगर हमसे पूछा जाता तो डायरेक्ट हमको इतना मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं था, यूनिट डिजिट से काम बन जाता। कैसे, यहाँ पर 1 है मतलब 8 का यूनिट डिजिट किसी से मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा जिसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो यहाँ भी हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 16 जिसका यूनिट डिजिट 6 मिलता, टिक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, तो हमको बोला है कि 1536 का 60% कितना होगा, तो और यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट नहीं चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट हमको क्या करना पड़ता, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 से अगर इसको हम कट करते हैं, 5 × 15, अगर यहाँ पर 35 होता तो यहाँ पर क्या होता, 5 × 35 पूरा पूरा कट जाता, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 9 और 3 × 21, इसके सामने कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कितना है, 922 रुपए, ये हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से। अगर आप इसको पॉइंट में डिवाइड करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बच जाता तो पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 2 आंसर आता, मतलब कि अगर हम पॉइंट वैल्यू करके दिखाते हैं, पहले देखिए ये तो होता अप्रोक्सीमेशन, अगर हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, 5 × 15 0 हो जाता, 5 × 35 1 बचता, तो 5 × 10 पॉइंट में इतना आता,
तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट में इतना आता। तो जरा छह का मतलब क्या है, अगर हम इसमें चार और ऐड कर देंगे 0.4 तो ये क्या हो जाएगा 922। ज्यादा समय कौन है, ये है, तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 रुपए को की दो एक समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण का पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया। यहाँ पर देखिए, अगर अर्धवार्षिक बोला है मतलब जो हम दो किस्त दे रहे हैं वो 6-6 महीना में दे रहे हैं, तो रेट भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब अगर हम 8% रेट है तो सीधा सीधा वो आधा हो गया, बन जाएगा 4% बन जाएगा। तो हम 4% का यूज करेंगे, 4% मतलब 1/25। ठीक है, तो 25 अगर उधार लिए हैं तो एक साल के बाद कितना देना होगा, 26 देना होगा। तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, अगर उधार लिए हैं तो दो साल के बाद हमको कितना देना होगा, तो 676 देना होगा। ठीक है, हम दो समान किस्त में दे रहे हैं, नहीं छोड़ देंगे, प्रत्येक किस्त बराबर है तो 26 से गुना कर लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 1275। ठीक है, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है प्रिंसिपल कितना होगा, है ना, और प्रत्येक किस्त दिया हुआ है। प्रत्येक किस्त जो है वो 6760 रुपए दिया है, मतलब ये 10 गुना हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो 10 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12000। सॉरी, हमसे यहाँ पूछा क्या है, हमको पूछा, अच्छा ऋण ब्याज कितना दे रहे हैं वो पूछा है। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा तो हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, लेकिन हमसे प्रिंसिपल नहीं पूछा है। ठीक है, हम प्रिंसिपल यहाँ निकाल दिए, लेकिन हमसे यहाँ प्रिंसिपल नहीं पूछा है, हमसे पूछा है ब्याज कितना लग रहा है। तो ब्याज अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, टोटल हम एक किस्त में इतना दे रहे हैं तो दो किस्त में कितना देंगे, 6 × 12 = 7 × 14 = 15, 6 × 12 = 13, मतलब 1352 रुपए, 1352 ब्याज कितना दिए। तो यहाँ ये हम इतना रुपए लौटा रहे हैं, मतलब हम उधार इतना लिए हैं, लौटाएं इतना, मतलब ब्याज के रूप में कितना दिए, तो 12 में 6 जाएगा 6 = 14 में 7 जाएगा 7, यहाँ 12 में 12 जाएगा तो 0, मतलब 76 रुपए जो है, एक मिनट, हाँ 76 रुपए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 76 रुपए जो है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 × 12 6 में 12 में 6 जाएगा तो 6, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, 7 आना चाहिए था, यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 7 आना चाहिए। जोड़ते हैं, अच्छा यहाँ पर 5 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 होगा, मैंने जोड़ने में मिस्टेक किए थे। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल भी आया था उसको भी सुधार कर लेंगे तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है, 10 गुना। लेकिन हमको प्रिंसिपल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, ब्याज पूछा है, तो ब्याज निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या, 12 में 5 जाएगा तो 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा कितना, 4 × 14 = 7 जाएगा तो 7, ये 10 गुना हुआ था, तो ये भी क्या कर देंगे, इसको 10 गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 770 रुपए जो है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बैंक से एक निश्चित धनराशि उधार लेता है और दो समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। यदि उसके द्वारा कुल 780 रुपए का ब्याज भुगतान किया गया तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। ये सब सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बस वैल्यू किसी और का दिया है, कुछ और वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। 12.5% मतलब कितना होता है, 1/8 होता है, मतलब कि अगर हम 8 उधार लिए हैं तो हमको एक साल के बाद 9 रुपए देना होगा, अगर हम 64 उधार दिए हैं तो 2 साल के बाद हमको 81 देना होगा। किस्त बराबर है तो 9 से गुना कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 9×8 = 72। ठीक है, 72 और 64 करेंगे यहाँ पे 6×13 = 136। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है ब्याज दिया हुआ है और किस्त निकालना है। पहले ब्याज 81 गुना कितना जाएगा, 162, कितना ब्याज दे रहे हैं तो 12 में 6 जाएगा 6 बचे, यहाँ पे कितना, 15 में 26। ठीक है, जरा ध्यान देंगे इस 26 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 780, मतलब कितना गुना हो रहा है, 30 गुना हो रहा है। देख लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा और 1 0 है, तो इसको भी क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, 3×3 = 24, मतलब 2430 रुपए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए सालाना 8% के ब्याज पर 28,500 रुपए उधार लिया
यदि पहले साल के अंत में उसने 5,780 रुपए का भुगतान कर दिया तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि है। इसको आप फॉर्मूला में पुट करके बना सकते हैं, केवल हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि हम 8,500 रुपए उधार लिए, ठीक है, तो हम देंगे कितना, तो 8% अगर 108/100 देंगे, देना इतना था, लेकिन हम दिए कितना, तो हम दिए 5,780 रुपए। तो इतना रुपए दे दिए था, मेरा बचा कितना, इतना रुपए। अब इसमें से फिर से हम क्या लेंगे, 8% ब्याज लेंगे, तो हमको इतना देना होगा। तो अब हम क्या किया, तो ये क्या किया, उसमें दूसरा किस्त दे दिया, मान लेते हैं x रुपए, ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को इतना नहीं करना है, हम सीधा सीधा आपको तरीका बता रहे हैं, उसको करिएगा। ठीक है, देखिए आपको सोल्व करना है तो जितना वैल्यू दिए उसको सिर्फ सोल्व करिएगा, एक्स का वैल्यू निकलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको हम कैसे करके बताते हैं वो देखिए, हम उधार कितना लिए, 8,500। ठीक है, एक साल के बाद अगर हम उसको देते हैं, 8% के रेट से ब्याज लगेगा उसका, तो जो हम 8,500 रुपए क्या करें, ये जो हम उधार लिए थे वो, और इस पर जो ब्याज लगेगा 8% के रेट से, वो हम उसको देंगे, तो 8 × 40 8 × 64 64 × 4 68 16 × 6 22 मतलब टोटल जो है उसको हम इतना रुपए उधार लिए थे, एक साल के बाद अगर हम उसको देंगे तो हमको इतना रुपए देना था, लेकिन हम दिए कितना, तो हम दिए हैं उसको 5,780 रुपए, 5,780 रुपए हम उसको दिए हैं। बच कितना गया, तो बच गया 25,000, मतलब कि इस 25,000 पर फिर से हमको ब्याज लगेगा, तो एक साल के बाद फिर से अगर हम इसको लौटाते हैं 8% के रेट से, तो कितना होगा, 25,200। पहले तो ये 25,000 हमको देना ही है, इस पर ब्याज लगेगा कितना, 25,200 और 10, यहाँ पर टोटल हमको 27,000 रुपए जो है वो क्या करना है, तो दूसरे साल के अंत में लेना है। ये हुआ पहला साल और ये हुआ दूसरा साल। ठीक है, मतलब कि पहला साल के अंत में हमको इतना देना था, मतलब सॉरी इतना देना था, लेकिन हम दिए कितना, कितना रुपए, कितना रुपए क्या हुआ, बच गया। तो दूसरा साल हमको कितना देना है, तो हमको 27,000 देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16,000 रुपए की धनराशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लेता है, यदि वह पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 4,400 रुपए 5,100 रुपए का भुगतान करता है, अपने ऋण को समाप्त करने के लिए वह तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करेगा। सेम क्वेश्चन है जो हमने बताए है ना, बस इसमें एक साल बढ़ा दिया, तो ये वैसे ही बनाना। ठीक है, देखिए 16,000 रुपए क्या किए हैं, उधार लिए। ठीक है, तो एक साल के बाद हम उसको कितना देंगे, कितना परसेंट के रेट से, 15% के रेट से। ठीक है, तो 15% रेट जब इसका निकालेंगे, 16,000 पर हमको देना ही है जो हम उधार लिए थे। ठीक है, इसका पर जो ब्याज लगेगा 15% के रेट से वो कितना होगा। ठीक है, तो 15×6=90 और 15×15 = 15 और 5 = 20 और 4 = 24 तो टोटल जो है वो हमको कितना रुपए देना था, लेकिन हम उसको दिए कितना, तो हम उसको दिए हैं 4,400 रुपए, मतलब कि कुछ पैसा और बच गया, कितना बच गया, 14,000 बच गया, जिसको हमको और देना है। तो हम अब हम इसको जब नहीं दिए तो फिर से इस पर हमको ब्याज देना होगा अगला साल, तो 15% फिर से इस पर ब्याज देंगे तो कितना लगेगा, 14,000 तो हमको देना ही था, इस पर भी 15% ब्याज लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 15×60 15×15 = 6 15×6 = 21 तो टोटल हमको देना था यहाँ 16,100, लेकिन हम दिए कितना फिर से, तो दिए हैं 5,100 देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 11,000, मतलब कि हम 11,000 रुपए बच लिया था, उसमें फिर से हमको ब्याज लगा के देना होगा 15%, तो फिर से 15% ब्याज लगाएंगे इस पर, तो 11,000 प्लस इसका 15% निकालते हैं अगर, तो 15×15 = 16
मतलब 12,650 रुपए जो है वो हमको 3 साल के अंत में क्या करना होगा, देना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 30,800 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसने 13,268 रुपए की राशि भुगतान की। तीसरे वर्ष के अंत में उसने ऋण चुकाने के लिए 1 रुपए का भुगतान किया, तो x का मान ज्ञात करें। सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल उधार लिया गया है 30,800। ठीक है, 1 साल नहीं 2 साल के अंत में क्या करता है वो 13,268 रुपए दे देता है। तो अगर हम 2 साल में अगर हम देखें 10% के रेट से, तो अगर आपको टेबल याद होगा 10% के रेट से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 21% होता है। तो 30,800 रुपए उधार लिए थे वो तो हमको देना है, और इस पर जो 21% के रेट से ब्याज लगेगा, 10% के रेट से 2 साल का जो ब्याज होगा वो भी हमको देना होगा। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 21/8 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको अगर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/8 कितना हो जाएगा, 8 + 8 = 168। ठीक है, 1 बच जाएगा, 21 + 63 = 64, 8 + 12 = 6 + 1 = 7। इतना रुपए हमको देना था, लेकिन वो दिया कितना, तो 13,268 रुपए इतना दिया था। मतलब बच कितना गया, यहाँ पर, यहाँ 3 जीरो, यहाँ पर 4, यहाँ पे 24,000 बच गया था। इस पर 1 साल, तीसरे साल का पद पूछा गया है, तो 1 साल के बाद फिर से ब्याज लगेगा 10% के रेट से। तो 24,000 और इसका 10% 2400, तो टोटल हमको देना कितना है तीसरे साल के अंत में, तो 4 + 6 = 26,400 जो है वो हमको तीसरे साल के अंत में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह पहले वर्ष के अंत में 3,150 रुपए वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए, मतलब 4,410 रुपए वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको हम आपको 2 तरीका से करके बताते हैं। ठीक है, देखिए रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, 5% का मतलब 1/20, मतलब कि अगर हम 20 रुपए उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद हमको कितना देना होगा, 21 देना होगा। दूसरा साल अगर निकालते हैं तो 400 अगर उधार लिए हैं तो दूसरे साल के अंत में 441 देना होगा। यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि प्रत्येक किस्त बराबर है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है पहला साल के अंत में 3,150 और दूसरे साल के अंत में 4,410 दिया गया, मतलब अलग अलग किस्त दिया गया है। तो इसका वैल्यू जो है वो 3150 है, मतलब किससे मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखते हैं, 21 + 21 = 105, मतलब 150, 1 यूनिट का वैल्यू 150। तो सीधा सीधा हम बोल सकते हैं कि अगर ये 150 मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ भी 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, पूरा पूरा 3000। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 4,410 रुपए दिया गया था, मतलब कि ये कटेगा 10 बार में, 10 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा इसका आंसर जो है वो 4,000 आएगा। कितना आएगा, 4,000। तो टोटल यहाँ पर हम उधार कितना लिए थे, 7,000, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा वो हम देख लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको हम एक तरह से और कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा जरा सा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि पी रुपए हम क्या किए थे, उधार लिए थे। ठीक है, तो पहले साल के अंत में, पहला साल के अंत में हम मान लेते हैं, यहाँ पर पहला साल के अंत में कितना दिया था, ये दिया हुआ है 3150, और दूसरे साल के अंत में कितना दिया था, तो दिया गया है इतना। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर ये 1 साल बन गए हैं, ये 1 साल, दूसरा 2 साल हो गया। हमको पता है रेट कितना है, 5%। 5% का मतलब आपको तो पता ही है कितना होता है, 1/20, मतलब कि हम 20 रुपए अगर उधार लिए होंगे तो 21 रुपए देना पड़ेगा 1 साल में,
देना होगा। मतलब कि ये जो वैल्यू है वो हमारा 21 का वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो 21 का वैल्यू है। मतलब अगर 21 देखे कितना गुना हुआ है तो ये 210 गुना हुआ है। तो अगर हम इसका भी 210 गुना लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 21 दुनी 42। ठीक है, और 1 जीरो 21 दुनी 42 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 2 जीरो। ठीक है, मतलब कि अगर हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर टोटल देना कितना था, तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 3 7। ठीक है, टोटल हमको देना इतना रुपया था लेकिन दिया कितना, इतना रुपया 1350 रुपया। मतलब 4200 रुपया बच गया था जिसको हम एक साल के बाद कितना रुपए दिए थे, 4410 रुपए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इतना रुपए हम इसको दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक साल बोला गया है तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 उधार लिए होंगे तो 21 देना पड़ा होगा रेशियो में। मतलब ये जो वैल्यू है वो 21 का वैल्यू है, तो 21 दिया कितना, 63 और 21 पच्चीस 105 और बच गया 0। मतलब 350 गुना हुआ है तो इसको भी क्या करेंगे हम, 350 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो हमारा जो प्रिंसिपल बनेगा वो यही बनेगा, कितना होगा, 35 गुनी 70 और यहाँ पे 2 जीरो। मतलब कि ये 7000 जो बना यही हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल है, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। अगर हम प्रिंसिपल को यहाँ ना लिखते, यहीं पे नीचे लिख लें, तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो कितना आ गया, हमारा जो प्रिंसिपल है वो सीधा सीधा 7000 आ गया। ठीक है, अब देखिए यही दो कंसेप्ट से आगे हम दो क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि उधार ली, 2 साल के अंत में उसने 7260 रुपए की राशि चुका दी और तीसरे 7 वर्ष के अंत में उसने 13310 रुपए भुगतान कर ऋण को मंजूरी दे दी, उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या। देखिए दोनों तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 रुपए अगर हम उधार लिए होंगे तो हमको एक साल के बाद 11 रुपए देना पड़ा होगा। फिर अगर हम 100 रुपए उधार लिए होंगे तो 2 साल के बाद 121 देना होगा। यहाँ पर दोनों किस्त बराबर तो नहीं है हमको दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम 11 का वैल्यू कितना है, 7260, तो इसका कितना गुना हो रहा है देख लेंगे, 11 6 66 बच गए यहाँ पे 6 11 6 66, मतलब 660 गुना हो रहा है। तो इसको भी क्या करेंगे, 660 से गुना कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, इतना हो जाएगा 6600। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे 121 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1331। मतलब कि ये क्या हुआ है, 110 गुना हुआ है, कितना गुना हुआ है, 110 गुना हुआ है। तो यहाँ भी 110 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 से गुना करेंगे तो 11000 हो जाएगा। टोटल पूछा है कितना रुपए क्या किए थे, उधार लिए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 600 और यहाँ 17600 रुपए जो है वो हम लोग उधार लिए थे। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, 11666। ठीक है, 11666 बच गया यहाँ पे 6, फिर 11666 बच गया यहाँ पर इतना। ठीक है, उसके बाद, अच्छा एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चन को फिर से बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ 2 साल में 3 साल का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ फिर से करते हैं। यहाँ बोला है 10 अगर उधार लेंगे 10% के रेट से तो 11 देना होगा, फिर अगर 100 उधार लिए होंगे तो 121 देना होगा, और 1000 अगर उधार लिए होंगे तो 3 साल में 1331 देना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो शुरू में जो वैल्यू दिया है वो 2 साल के अंत में देता है, तो हम शुरू में गलती क्या किए, वो फर्स्ट साल में लिख दिए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो 121 है वो किसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7260। मतलब कि 2 साल के अंत में वो कितना देता है, इतना रुपए दे देता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना है, कट करके यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा हमको दिख रहा है ये 60 गुना हो रहा है। ठीक है, तो इधर भी अगर हम 60 से गुना कर देंगे तो ये वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा,
तो ये जो वैल्यू है 7 से गुना करने से कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम तीसरा साल की बात करते हैं, तीसरे साल के अंत में कितना देता है, तो 1321 और 10 मतलब 13310 रुपए देता है। तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है ये 10 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या करेंगे 10 से गुना कर लेंगे। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10000। ठीक है, तो टोटल हम कितना उधार लिए थे, तो यहाँ पर हो गया दोनों को जोड़ने से 16000 रुपए हम उधार लिए थे। ये तो हुआ पहला तरीका, एक और तरीका है वो भी हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका जो हम लोग सॉल्व किए वो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो हमारा क्या है, पी है। ठीक है, तो दो साल के बाद, मतलब यहां पर जो है वो दो साल है डायरेक्ट, दो साल के बाद 7260 रुपए दिए, फिर तीसरा साल मतलब दो साल यहाँ और एक साल यहाँ, तीन साल हो जाएगा। तीसरे साल के अंत में हम कितना दे दिए, तो हम दे दिए 13310 रुपए। ठीक है, रेट की अगर हम बात करें तो रेट जो है वो हमारा 10% है, यानी कि 1/10। मतलब कि अगर हम 10 रुपए उधार लिए होंगे तो हमको 11 देना पड़ा होगा। ठीक है, तो 11 का वैल्यू कितना है, तो 1321 और 10 मतलब 13310। कितना का वैल्यू है ये, 121 और 10 इतना गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12100। 10 का वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल को अगर हम जोड़ते हैं, टोटल को अगर हम जोड़ दें तो यहाँ पर हो जाएगा 19360। मतलब कि यहां पर हमको टोटल 19360 देना था, लेकिन हम 7260 रुपए दिए और बाकी का क्या रख लिए, हम बाकी रहने दिए, इसको हम बाद में देंगे। ठीक है, तो इतना जो रुपए बच गया था उसके बदले हमको इतना रुपए देना पड़ा था ब्याज लगा करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहां तो एक साल था 10 से 11, यहां दो साल है, मतलब कि यह 100 से कितना हुआ होगा, 121 हुआ होगा, और इसी 121 का वैल्यू है कितना, 19360। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे, इसको हम कट करते हैं, 121 से कट करेंगे एक बार में, मतलब ये 16 से कट होगा, 16 × 16 = 32 16 × 16 = 3 19, मतलब ये 16 गुना हो रहा है और 10 है, 160 गुना हुआ है, तो इसका भी अगर हम 160 गुना कर दें तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा प्रिंसिपल। देखिए इसको अगर हम 60 गुना कर देंगे तो 16 160 और ये 20, मतलब 16000 जो है वो हमारा क्या निकल गया, तो प्रिंसिपल निकल गया, यही जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम सिर्फ इसी मेथड से बना सकते हैं, पिछला जो मेथड बताएं उससे नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन उससे बहुत कैलकुलेटिव बनेगा, क्यों अभी पता चल जाएगा, क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था, 2 वर्ष के पश्चात उसने 6634 रुपए का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13200 रुपए का भुगतान किया, भुगतान में पूरा ऋण चुका दिया, उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है। अगर हम इसको पहला मेथड बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा वो देखिए, अगर हम 10 से उधार लेंगे तो 11, यहाँ पे 100 से 121, 1000 से 1331। अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे तो इसका जो वैल्यू है यहां पर दोनों का, क्या ये पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं है, तो इसका ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व करने के लिए सेकेंड मेथड का यूज करेंगे। तो देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन बनाने का तरीका जो है वो डिफर हो रहा है, मतलब दूसरा मेथड से बनेगा पहला मेथड से कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का जो डाटा जो है उस पर डिपेंड कर रहा है कि हम कौन सा मेथड से क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमको सेकंड मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा पी है, बोला है 2 साल के अंत में कितना दे दिया, तो 6634 दे दिया, फिर बोला है तीसरे साल के अंत में यानी कि 1 साल बाद
कितना दे दिए, 13,200 दे दिए। ठीक है, हमको पता है रेट अगर 10% है, 10% कहने का मतलब 1/10, मतलब कि 10 अगर उधार लिए होंगे तो हमको 11 देना पड़ा होगा, और इसी 11 का वैल्यू ये दिया हुआ है, 11 × 12 132 होता है, मतलब 1200 गुना, तो यहाँ भी 1200 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे अगर तो यहाँ पर 4, 3, 6 और यहाँ 6, 2, 8, मतलब हमको 18,634 देना था, लेकिन हम 6,634 दिए, 12,000 क्या कर लिए, बाकी रहने दिए, तो यही 12,000 जो बच गया था उसके बदले हमको एक साल के बाद 13,200 देना पड़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ 2 साल की बात कर रहे हैं तो ये 100 से क्या हो जाएगा, 121 रेशियो में, तो इसी 121 का वैल्यू जो है वो हमारा इतना दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 121, यहां पर ध्यान देंगे जरा सा, ये एक है, यहाँ 4 आया है, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, कोई ऐसा नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पे भी जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 4 होगा। ऑप्शन देखिए, इसका यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट 4 होगा, लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 जीरो है, तो 2 जीरो के बाद का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 डिजिट के बाद का जो डिजिट होगा, तीसरा डिजिट जो होगा, है ना, तीसरा डिजिट जो होगा, सैकड़ा का जो अंक होगा 100 प्लेस पर, वो 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जब यूनिट डिजिट 1 था तो यहाँ 4 आया था, मतलब कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा जिसका यूनिट डिजिट 4 रहा होगा। ठीक है, तो यही वाला नंबर से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ यूनिट डिजिट 4 है और 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो लास्ट पे आएगा और ये 4 1 से मल्टीप्लाई 4 होगा, मतलब कि कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसका लास्ट में 2 जीरो और 4 लिखा हुआ होगा, लेकिन हमको ऐसा 2 ऑप्शन मिल रहा है तो ये तरीका जो है हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो हमको पूरा पूरा क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना तक गुणा हो रहा है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 21 बचेगा कितना यहाँ पर, तो यहाँ बच जाएगा हमारा 75 3। ठीक है, 21 छक कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 6 से बनाकर, 6 का 6 12 छक 72, 21 छक कितना होगा, 726, 21 छक कितना होगा, 726। तो यहाँ पर जो है 701, इसको फिर से कर लेते हैं, 121 यहाँ पर चाहिए कितना, 75, मतलब 753, 7 से करेंगे 21 छक 126, बच गया यहाँ पर 13 6 7, यहाँ 2, यहाँ कट गया 27 4। ठीक है, यहाँ पर अगर 4 से करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 21 छक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं फिर से, अगर नहीं कट पड़ रहा है तो इसे 11 से ही कट कर लेते हैं, 11 से कट करेंगे, 11 1 11 बच गया यहाँ पर 7 11 6 66, 11 6 66 बच गया यहाँ पर 10 3, 11 9 99 बच गया 4 11 6 44, फिर 11 से कट करते हैं, 11 1 11 बच गया 5 11 5 55 11 6 44, मतलब कि 154 बार में क्या हो रहा था, ये कट हो रहा था, यहाँ पर जो एक यूनिट का वैल्यू आ गया वो 154 है, मतलब कि 154 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15,400 हो जाएगा, तो 15,400 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ये 121 का वैल्यू था। तो हम क्या किए, पहले 11 से कट गया, क्योंकि 121 से कट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, तो हम 11 से कट कर लेंगे, 11 से कट करेंगे तो इतना, फिर 11 से कट करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक यूनिट का वैल्यू इतना आया, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 15,400 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है, यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो स्कूटर का नगद भुगतान मिल है। देखिए 16,224 रुपए क्या नगद देकर के कुछ पैसा बच गया, उसको हम किस्त में देंगे। ठीक है,
रेट दिया हुआ है 4%, मतलब कि 1/25, ठीक है। 25 अगर उधार दिए हमने तो हमको 26 देना पड़ता है एक साल में, दो साल का बात करेंगे तो स्क्वायर कर देंगे। प्रत्येक किस्त जो बोला है वो बराबर बोला है, मतलब 26 से गुना करेंगे तो इधर भी 26 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 650, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 650, ठीक है। 650 और 625 कितना, 1275, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितना का है, जितना रुपए हम यहाँ पर डाउन पेमेंट जो है वो कैश जो दिए थे नगद भुगतान, उतना ही रुपए का किस्त बनाता है, मतलब 16,224 रुपए का। अब आप इसको चेक करिएगा इसका मल्टीपल हो रहा है, ठीक है, इसको आप कट करते हैं तो हम डायरेक्ट हमको पता है ये 24 से कट होगा। कैसे पता चला, यहाँ पर 6 है, यहाँ आया है यूनिट डिजिट कितना, 4 आया है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4×6=24, बहुत छोटा नंबर आएगा। 9 से भी कर सकते हैं, 9×6=54, वो भी छोटा नंबर है। तो फिर 14 या 19 से चेक करते हैं तो 19×6 कितना होता है, 19×6=114, मतलब फिर भी ज्यादा सामने नहीं जा रहे हैं। 24 से कट करके देखेंगे फिर, क्योंकि 14 से तो हो, जब 19 से नहीं आ रहा है 14 से भी नहीं आएगा तो फिर 24 से चेक करेंगे। तो 24×6 कितना होता है, 6×6=24 और 6×2=12, 2×14=144, मतलब 162 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो एक बार पूरा मल्टीप्लाई करके देखेंगे यहाँ पर, तो 24 से करेंगे 24×6=144 का 4 कैरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर 24 से कितना होता है, तो 7×28 और 7×14=16, कितना जाएगा 168। इस पे अगर हम 14 ऐड करेंगे, 8×4=12, 6×1=7 और 1×8 और यहाँ पर इतना, तो 183 का 2 फिर से बच गया कितना, 18। 24×6=144 और 18, 8×4=12 और यहाँ पर जो बचेगा 4×5=6 और यहाँ पर हो जाएगा 162, तो आ रहा है ना। तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 24 से गुना हुआ है तो ये भी जो वैल्यू है वो भी 24 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1275 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4×5=20, 7×28=2=30, 12×48=3, 51, ठीक है। यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा, 5×10, 7×14, 1×15, 12×24 और 25। तो टोटल जो वैल्यू निकला यहाँ पर 30,600। तो बोला है कि स्कूटर का कितना मूल्य होगा, टोटल मूल्य स्कूटर का निकालना है, तो टोटल कितना निकलेगा, जो हम 16,224 रुपए पहले दिए थे और यहाँ पर 30,600 बाद में दिए, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 16 और 30 कितना हो जाएगा, 46,824 रुपए जो है वो हमारा क्या है, स्कूटर का कीमत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन 79,860 रुपए के नगद भुगतान पर या डाउन पेमेंट के रूप में 60,000 रुपए का नगद भुगतान करने और शेष धनराशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। यदि दुकानदार 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो प्रत्येक किस्त राशि कितनी होगी, प्रत्येक किस्त की राशि निकालना है, ठीक है। दर यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, तो 79,860, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अगर हम रेट देके 10%, मतलब 10 रुपए अगर उधार लेंगे तो 11 देना होगा, 100 उधार लेंगे तो 121 देना होगा, और अगर 1000 उधार लेंगे तो 1331 देना होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि 3 समान किस्त देते हैं, मतलब इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 121 से, जब इसको 121 से मल्टीप्लाई करते हैं और 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा। सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे प्रत्येक किस्त कितना का है, प्रत्येक किस्त कितना का है वो हमको निकालना है, ठीक है। जरा ध्यान यहाँ पे देंगे, अगर ब्याज यहाँ पर हम कितना दे रहे हैं, जरा सोचिए, प्रिंसिपल है इतना 79,860 और नकद भुगतान किए हैं 60,000 का, तो बच कितना गया, बचा कितना, यहाँ पर बचा कितना 0, यहाँ 60, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ
19,860, मतलब कि जो भी प्रिंसिपल बच गया, ये तो हम स्टार्टिंग पूरा कीमत है, पूरा कीमत इतना रुपया था, लेकिन अगर हम उसको 60,000 रुपया दे के खरीदते हैं, इतना हजार रुपया बच गया, इस पर हम इंस्टॉलमेंट में दिए हैं इसको, मतलब ये जो है वो इसका वैल्यू है, ठीक है। ये जो वैल्यू है 19,860 रुपए, अगर दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, 89,000 यानी कि 89,860 और 60,000, मतलब कि टोटल प्राइस कितना था, हम उसको 60,000 रुपए नगद भुगतान दिए और जो पैसा बच गया उसको हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, मतलब इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो ये जो प्रिंसिपल है वो इसका वैल्यू है, ठीक है। इसका वैल्यू है कितना, 19,860, ठीक है। तो ये कितना गुना हो रहा है वो देखना है बस, ठीक है। अगर हम इसको 6 से गुना करते हैं, 6 का 6 6 18 का 8 18 19, मतलब ये 6 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। तो प्रति किस्त निकालना, इसको भी 6 से गुना करेंगे, 6 का 6 6 18 6 18 19 6 का 6 और 7, मतलब 79,986, मतलब 7,986 रुपए जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन एक आया हुआ जो 20 क्वेश्चन है। अतुल 12,000 रुपए की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4,800 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 9,240 रुपए का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार होता है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इसको हम प्रोसेस से करते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने के जो प्रोसेस यूज किए थे, प्रिंसिपल है कितना 12,000 रुपए, इसको अगर हम आर परसेंट के रेट से उधार लें, मतलब देंगे अगर, तो हमको इतना रुपया लौटाना पड़ेगा, ठीक है। हम उसको पहले साल के अंत में कितना दे दिए, 4,800, ठीक है। उसके बाद फिर से जो पैसा बच जाएगा उस पर फिर से हमको ब्याज देना होगा, तो इतना रुपया हम वापस करना होगा, उसमें से हम दूसरे साल के अंत में कितना रुपए दिए, तो 9,240 रुपए। अब अगर हम ऑप्शन, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको दिख रहा है 10%, तो जब भी 10% 20% दिखे क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको उसी को चेक करना है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो हमारा है, अगर ये 10% अगर ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से देंगे 10% है, तो 10% हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। पहले यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये जो वैल्यू है वो 11 का मल्टीपल है, ये जो वैल्यू है वो 11 का क्या है, मल्टीपल है। कैसे पता चला, अगर आप इसको 11 से चेक करते हैं, 9 4 13 13 में 2 घटाएंगे 11, मतलब 11 का मल्टीपल आ गया। तो जरा सोचिए 11 का मल्टीपल जैसे ही हमको दिखा, तो सीधा सीधा हम चेक करेंगे कि 10% ऑप्शन में अगर है, तो पहले हम 10% रख के क्या करेंगे, इसको वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करना है, देखिए यहां पर है 12,000, 10% रखेंगे अगर, तो 110/100, मतलब 11/10 हो जाएगा यहां से। इसमें से हम लोग दिया कितना, 4,800 रुपए। फिर से यहां 10% रखेंगे तो 11/10 यहां पर कितना, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पर ये 0 से 0 कटेगा, 11 से गुणा करेंगे तो 3,200, 132 और 2 0 माइनस 4,800 गुने यहां पर, इसको जब सॉल्व करेंगे यहां पर 11/10 और इधर 9,240, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो 2 0 और यहां पर 12 में आ जाएगा 4 और 12 में 4 जाएगा तो 8 84 का 11/10 अगर हम 10 करते हैं तो फिर से 1 0 कटेगा और 11 से और इधर कितना बचा हुआ है 9,240। इसको सॉल्व करते हैं, 1 0 11 4 44, 11 88 88 और 4 92, देखिए इधर भी कितना हो गया 9,240, इधर भी आ गया कितना 9,240, मतलब मेरा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा
हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो रेट है वो सीधा सीधा क्या है 10% है। एग्जाम में आपको चेक करने में इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, सीधा सीधा आप यहाँ पे 10% रखेंगे, हम सॉल्व करते जाएंगे, काट छांट करके हम इतना जो सॉल्व कर दिए एग्जाम में इतना नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है वो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था रेट निकालने के लिए, तो हम आराम से ऑप्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना आ रहा है तो इस इक्वेशन को यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है जितनी भी चीजें आज हमने आपको समझाई वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आपको इसका प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम में पीडीएफ डाल चुके हैं, आपको डाउनलोड करना है अगर पीडीएफ तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का होगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और जो भी पीडीएफ हम आपको दिए हैं वो सारा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन करवा चुके हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन होगा उससे आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के हैं, वो भी अपडेटेड एग्जाम में आए होंगे, ठीक है। 2021 तक का जो एग्जाम हुआ है सीजीएल का वहां तक का क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब आप ही उसमें कमेंट करके बताइएगा कि अगला जो चैप्टर है वो हम क्या शुरू करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करें या फिर कोई और चैप्टर शुरू करें। अगर आपका कोई डिमांड है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम वही चैप्टर आपका शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।